अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये लेक्चर एक शॉर्ट लेक्चर है जिसका टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हार्ट पंपिंग। और ये बेसिकली एलाइड हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट पंपिंग से मुराद ये है कि वेरियस सिचुएशंस में यानी हार्ट रेट और हार्ट पंपिंग जो है वो एक जैसी नहीं रहती। तो मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं जिसमें हार्ट रेट हार्ट पंपिंग को एडजस्ट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट पंपिंग को इन्हेंस करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो वो कैसे अचीव होती है, और फिर सोते वक्त आपकी हार्ट पंपिंग का ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं होती तो उसको कम कर दिया जाता है। खाते वक्त भी इसको एडजस्ट किया जाता है, खाना खाते हुए, सांस लेते हुए, यानी हर लिहाज से हार्ट पंपिंग एक क्योंकि एक रूटीन की चीज़ है, एक लगातार एक चीज़ चल रही है और डेली एक्टिविटीज़ भी चल रही होती हैं, उसके लिहाज से रेगुलेशन ऑफ हार्ट पंपिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे थ्रू दिस वीडियो, और उसके बाद हम Q&A करेंगे वो जैसे हम करते हैं आजकल YouTube पे लाइव टुमारो इंशाल्लाह। सो रेगुलेशन ऑफ हार्ट पंपिंग के बुनियादी तौर पर दो हिस्से हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप जहन नशीन कर लें। एक इंट्रेंसिक है, इंट्रेंसिक का मतलब होता है अंदरूनी, यानी जो उसका हिस्सा होता है। तो अगर हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो इंट्रेंसिक का मतलब ये हुआ कि हार्ट की अपनी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, उसके अपना कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर जो कि उसको उसकी पंपिंग को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, इसके अंडर हम एक लॉ पढ़ेंगे, इसको फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ कहते हैं, थोड़े दिन पढ़ते हैं इसको। और दूसरा ये है कि एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मतलब बैरूनी, बैरूनी से मुराद ये नहीं कि बॉडी से बाहर, बैरूनी से मुराद ये कि हार्ट के अलावा, हार्ट के बाहर भी कोई ऐसी चीज़ है जो इसको अफेक्ट करती है। तो जी बिल्कुल है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसका काफ़ी कनेक्शन है हार्ट के साथ, और वो हार्ट रेट को, यानी जितनी दफ़ा हार्ट बीट करता है जिसको हार्ट रेट कहते हैं, उसको भी इन्फ्लुएंस करता है, और ईच बीट की जो कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कितनी दफ़ा दिल धड़कता है एक मिनट में, और हर जो बीट है वो कितनी फोर्सफुल हो सकती है। ये दोनों चीज़ें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो है वो इसको बढ़ा सकता है और घटा सकता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या मामला था। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक, जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक रेगुलेशन में, तो ये लॉ क्या कहता है? पहले मैं आपको देसी ज़ुबान में समझा दूँ कि ये लॉ कहता क्या है विदाउट गोइंग इनटू द ये सारी डेफिनेशन वगैरह। आप ये सब कॉन्सेप्ट बनाएं कि हार्ट में जितना ब्लड आएगा एक फिजियोलॉजिकल रेंज में, एक नॉर्मल रेंज में, वो ब्लड जो है हार्ट मैनेज करेगा और उसको वो आगे पंप करने की सलाहियत अपनी इनहेंस करेगा। मिसाल के तौर पर हार्ट में अगर 5 लीटर ब्लड आ रहा है हर एक गिवन टाइम में, तो वो हार्ट में ये एबिलिटी है कि वो उस 5 लीटर को पंप कर सके उस गिवन टाइम। ठीक है, अगर आप इसको 5 से 10 लीटर कर देंगे या 7 या 8 या 6 लीटर कर देंगे, बढ़ा देंगे इसको, एक्सरसाइज करवा दें या कुछ कोई भी और चीज़ कर दें, जिसकी वजह से जो वापस ब्लड आ रहा है हार्ट में वो अब उस टाइम फ्रेम में बढ़ गया है, डबल हो गया है, तो हार्ट के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्शन का मादा है, जो उसकी एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, इस एक्स्ट्रा लोड को मैनेज करने की, वो उसको बढ़ा देगा उस लिहाज से। ठीक है, तो ये है बेटे, ये फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ सिंपली ये है कि जो भी ब्लड हार्ट में आ जाता है, हार्ट उसको अकोमोडेट करता है और उसको आगे पंप करने की सलाहियत उसके लिहाज से एडजस्ट करता है। ठीक है, विद इन नॉर्मल रेंज ऑफ कोर्स। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड, यानी वो ब्लड जो हार्ट ने इजेक्ट किया है बाय द वेंट्रिकल, डिपेंड करता है उस वॉल्यूम पे जो वेंट्रिकल में डायस्टोली के दौरान जमा किया गया। अब ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि वेंट्रिकल में हम पहले ब्लड को जमा करते हैं ड्यूरिंग डायस्टोली, हम कार्डियक साइकिल में पढ़ चुके हैं। अब हमें ये बताया जा रहा है कि भाई जो वो अमाउंट है डायस्टोली में के दौरान, जो भी वॉल्यूम आप अकोमोडेट करते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो ज़्यादा हो, हार्ट ये कुदरत रखता है, ये एबिलिटी रखता है कि वो इसको इजेक्ट कर पाए, और फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ यही कहता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द वेंट्रिकल डिपेंड्स ऑन द
द वॉल्यूम प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल. ठीक है, या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट कम्स टू द हार्ट कॉमा द हार्ट हैज द एबिलिटी टू इजेक्ट इट. ओके, इसका अगर ये बात आपको क्लियर हो गई और हम कल इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, इसको एक और कहने का तरीका है कि स्ट्रोक वॉल्यूम, अब आपको स्ट्रोक वॉल्यूम का पता होना चाहिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये सारी इस्तलाहात बेटे मैं आपको कल करवा चुका हूँ, कार्डिक साइकिल के तनाजुर में ये सारी बातें हो चुकी हैं. ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम पर बीट है अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज इजेक्टेड बाय द हार्ट पर बीट, और कार्डिक आउटपुट वही चीज है लेकिन उसका पर मिनट है कि कितना ब्लड एक मिनट के अंदर हार्ट से इजेक्ट किया जा सकता है. ये दोनों बुनियादी तौर पर एक ही चीज है. बात जो इसका कहने की है, गौर करने की है, वो ये कि डायरेक्ट कोरिलेशन किस चीज के साथ होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के साथ है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के साथ. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जैसा कि आपको याद होगा, ये वो वॉल्यूम है जो डायस्टली के बाद टोटल आपने ब्लड जमा किया था वेंट्रिकल में. ठीक है, तो ये चीज और ये चीज और जो मैंने देसी जुबान में बताया था वो सेम चीज है. जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ही धड़ल्ले के साथ स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाया जाए और या कार्डिक आउटपुट, सेम बात है. ठीक है, ये नॉर्मल होगा तो ये नॉर्मल होगा, ये आप ज्यादा करेंगे ये भी ज्यादा हो जाएगा, अगर हार्ट बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है तो. ठीक है, इसको कहने का एक और तरीका है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और वीनस रिटर्न में भी डायरेक्ट ताल्लुक है. यानी जितना वीनस रिटर्न आएगा, वीनस रिटर्न वो होता है ब्लड जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से राइट साइड ऑफ द हार्ट पर रिसीव होता है और वो फिर इवेंचुअली लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में भी आ जाता है. ये भी वही चीज है कि आप जितना भी वीनस रिटर्न करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जितना भी ब्लड आप वापस लाएंगे हार्ट में, वो उसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बन जाए. ठीक है, उसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बन जाए. अगेन, ये वही बात है जो ऊपर हो रही है. ठीक है, फाइनल बात ये है कि कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न, यानी इन सारे चीजों को हल करके हम एक फाइनल एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ का. बात हम वही कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे, लेकिन ये बात जरा कहते हुए जरा अच्छा लगता है कि कार्डिक आउटपुट यानी वो ब्लड जो आप पर मिनट हार्ट से पंप करवा रहे हैं, इजेक्ट करवा रहे हैं, वो इक्वल होना चाहिए एक नॉर्मल हार्ट में उस ब्लड के जो पेरिफ्री से, जो सर्कुलेशन से हार्ट में वापस आता है. तो मेरा ख्याल है बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि कार्डिक आउटपुट बराबर होना चाहिए वीनस रिटर्न के. जितना ब्लड वापस आया उतना ही हार्ट ने आगे पंप कर दिया, जो हम शुरू के पॉइंट से ही यही सेम बात कर रहे हैं. ठीक है, इसको ग्राफ में थोड़ा सा देख लेते हैं. वैसे अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, लेकिन ग्राफ में एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. ये ग्राफ है बेटे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस पे आप समझ लें कि ईडीवी ले लें, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ले लें. ठीक है, उसको दूसरे को बेशक रहने दें, इग्नोर करें. ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है और ये जनाब आली आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है. ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम से इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो जितना ज्यादा आप, यानी अगर आप इस एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे, उतना ही स्ट्रोक वॉल्यूम भी आगे बढ़ेगा. तो जब इसको प्लॉट किया जाता है इन दोनों को एक्चुअल डेटा के साथ, तो बेटे ये पर्पल लाइन बनती है. नॉर्मली ये पर्पल लाइन बनती है. यानी जितना ज्यादा आप ईडीवी बढ़ाएंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा. यही फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, राइट, यही अभी हमने पढ़ा. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ. ठीक है, यहां तक बात हो गई फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ की. इससे कोई भी क्वेश्चन होंगे तो वो इंशाल्लाह उस लाइव सेशन में हम कर लेंगे. अब यहाँ पे दो और चीजें आपको दिखाई गई हैं. एक ये ग्रीन डॉटेड लाइन है और एक ये येलो डॉटेड लाइन. वेरी सिंपली, ये ग्रीन डॉटेड लाइन एक ऐसे हार्ट की है जिसमें फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ तो काम कर रहा है, लेकिन साथ ही उसको सुपर चार्ज कर दिया गया है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करके. सो एक ऐसा हार्ट जो नॉर्मल काम कर रहा है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से भी मुस्तफीद हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, उसकी ये जो कर्व है ये और भी जबरदस्त होगी और ऊपर होगी. तो उसमें जो ईडीवी होगा, किसी भी पॉइंट ऑफ ईडीवी के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम उसका बढ़ा हुआ होगा.
ठीक है। सो मिसाल के तौर पर ईडीवी अगर यहाँ पे आप देख लें, ये कॉन्स्टेंट है, इसको जरा मैं इस पर गौर कीजिएगा, ये ऊपर जा रहा है, इसने यहाँ इधर इंटरसेक्ट किया है इसको पर्पल लाइन को, तो ये है स्ट्रोक वॉल्यूम, इसका स्ट्रोक वॉल्यूम ये बन रहा है, ठीक है, नॉर्मल का। लेकिन इसी का ग्रीन कर्व पे स्ट्रोक वॉल्यूम यहां बन रहा है, यानी सेम ईडीवी पे सेम अमाउंट ऑफ ब्लड जो डायस्ट्री में आपने जमा किया एक ऐसे हार्ट में जिसमें फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के साथ साथ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी उस वक्त हुई हुई थी, उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम इवन मोर ज्यादा बढ़ जाएगा, वो और ज्यादा ब्लड उठा के सर्कुलेशन में फेंकेगा, ठीक है। यहाँ पे जो अच्छे वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये जहन में होना चाहिए और वो फौरन इस बात का, बल्कि चलें ये लाइव उसमें मैं फिर पूछूंगा आपसे कि इसका असर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पे क्या पड़े, ये मुझे फिर कोई याद भी करा दे ये सवाल, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पे इसका असर क्या पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम की बात होगी, पैरासिंपैथेटिक का बेटे इसका ऑपोजिट है, पैरासिंपैथेटिक जो है वो चीजों को स्लो करता है, हार्ट रेट को भी स्लो करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी स्लो करता है, तो अगर वही ईडी वो एक वही ईडीवी की वैल्यू ले लें जो कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम करा रही थी, अगर आप पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑन कर देंगे तो इवन दो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ इसमें काम कर रहा है तो वो इधर से इतना छोटा हो जाएगा, क्योंकि हार्ट जो है ये इसको पकड़ के स्लो कर दिया गया है क्योंकि पैरासिंपैथेटिक का इफेक्ट ही स्लो करना है हार्ट को। ये अभी हम आगे देखते हैं, ये ग्राफ में आ गया तो मैंने कहा यहाँ पढ़ा दूं, ठीक है। सो इन समरी जो सिंपैथेटिक्स का असर होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, और जो पैरासिंपैथेटिक्स का असर होता है वो है नेगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। आइनोट्रॉपिक का मतलब भी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक मिनट के लिए पिछली साइड पर जा रहा हूँ, ये देखिए ये हमने कर लिया, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ हमने भी डिस्कस कर लिया, अब एक ही चीज रह गई एक्सट्रिंसिक, यानी हार्ट पे जो बाहर के जो अवामिल हैं, यानी बुनियादी तौर पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसका क्या असर होता है, अब हम ये करने लगे, ठीक है। नाउ जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, हम जानते हैं कि उसके दो शाखे, एक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और एक पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है। अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि उससे पहले आप किसी भी एनाटॉमी की बुक जब खोल के देखेंगे और आप ये देखेंगे कि उसकी नर्वस सप्लाई हार्ट की क्या है, तो आपको नजर आएगा कि उसमें मिक्स्ड हैं फाइबर्स, कुछ सिंपैथेटिक हैं और कुछ पैरासिंपैथेटिक हैं। सिंपैथेटिक फाइबर्स आपको ज्यादा नजर आएंगे, और यहाँ पे आपने गौर करना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो फाइबर्स सप्लाई कर रहे हैं हार्ट को, वो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट को भी सप्लाई कर रहे हैं, यानी SA नोड, AV नोड, इंटर एट्रियल पाथवे, परकंजी सिस्टम, इन सब के अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है। और दूसरे पॉइंट पे वो हार्ट का जो मसल है, जो मायोकार्डियम है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला जो मामला है सारा, जो मसल है कार्डियक मसल, उसको भी वो ढेर सारा सप्लाई कर रहे हैं, एट्रियम में भी है, वेंट्रिकल में भी। सो सिंपैथेटिक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाउएवर वेरी इंटरेस्टिंगली पैरासिंपैथेटिक्स जो नर्वस सिस्टम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जरा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट? पैरासिंपैथेटिक फाइबर्स आपको नजर आएंगे कि वो सिर्फ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट पे कंसंट्रेटेड हैं, वो मायोकार्डियम पे बहुत ही कम सप्लाई करते हैं। सो वो SA नोड पे पाए जाएंगे, वो इंटर एट्रियल पाथवे में पाए जाएंगे, वो AV नोड पे पाए जाएंगे, परकंजी सिस्टम पे पाए जाएंगे, ठीक है। इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या हो सकता है, आप को अगर मैं लाइव क्लास होती तो मैं आपसे सवाल करता ये कि अगर एक चीज है जो सिर्फ कंडक्शन सिस्टम को छेड़ सकती है और दूसरी चीज है जो कंडक्टिंग सिस्टम के अलावा मायोकार्डियम को भी शराब कर सकती है, तो इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या होंगे, तो इंशाल्लाह चलें कल वो डिस्कस कर लेंगे, आज उनके साइड अब सामने ही है। तो जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, ये बात याद रखने वाली है कि उसका जो रिसेप्टर है वो β1 है हार्ट में, β1 रिसेप्टर के जरिए वो अपना काम करता है। और ये चार चीजें बेटे जो जिनमें से ये दो तो आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ आपको, ये जो दो चीजें हैं ना, ये बात ये आपको आनी चाहिए, इसमें पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट और पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, ये जरूरी है, ठीक है। अब पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक क्या मतलब होता है, मतलब होता है हार्ट रेट, किसी भी चीज का रेट उसका क्रोनो, जैसे होता है ना घड़ियों में भी क्रोनो आपने लफ्ज सुना होगा, तो वो रेट है, यानी क्या वक्त हो रहा है, रेट क्या है उसका। तो पॉजिटिव का मतलब ये, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक का मतलब ये है कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो याद रखिए
सिंपथेटिक स्टिमुलेशन हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, ठीक है। तो साथ ही दूसरा उसका इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। इसका मतलब है ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, ये कैल्शियम करंट को प्लेटो के दौरान दावत देता है इंक्रीज अंदर आने की। सो ये कैल्शियम का जो इनफ्लक्स है प्लेटो के दौरान उसको बढ़ाता है, और ये जो अंदर सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो कैल्शियम का पंप लगा हुआ है, ठीक है, जो कैप्चर करता है कैल्शियम को साइटोसोल से दोबारा अपने अंदर डालता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन को सीज किया जा सके, ये उसकी भी एबिलिटी को बढ़ाता है। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो मैं कल आपको जवाब दूंगा जो सवाल करेगा, और सवाल करने के लिए जरूरी है कि ये पॉइंट इसको समझ आए कि ये यहां तक तो ठीक है जी, कैल्शियम प्लेटो के दौरान अंदर लाना ताकि ज्यादा अवेलेबल हो कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन के लिए, यहां तक तो बात समझ में आती है। ये क्या बात है कि इंक्रीज एबिलिटी ऑफ जो सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैल्शियम का पंप है, कैल्शियम का पंप तो जैसे हमें पता है ये तो वापस कैल्शियम को खींचता है और एसआर के अंदर डालता है, यानी कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को कम करता है साइटोसोल में, तो ये तो कॉन्ट्रैक्शन के अगेंस्ट ही जाना चाहिए। तो इसका जवाब वैसे नहीं है, और जिसने पूछा मुझसे उसको मैं कल एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, ओके। तो बेटे अगर कोई आपसे पूछे कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का इफेक्ट हार्ट पे क्या है, तो कम अज कम आपके मुंह से ये निकलना चाहिए कि हार्ट रेट बढ़ाता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है, ठीक है। अब ये जरा देख लेते हैं, ये आपके लिए माइनर है ये दो पॉइंट्स। ड्रोमोट्रॉपिक का पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि ये कंडक्शन वेलोसिटी जो एवी नोड के जरिए, याद है ना जो एवी नोड पे डिले आता है कार्डियक इंपल्स का, ये उसको थोड़ी सी चाबी लगा देता है और थोड़ा बेहतर कर देता है उस कंडक्शन को, तो जरा तेज हो जाती है इंपल्स, वो ज्यादा जल्दी स्टिमुलेट करती है, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव बैथमोट्रॉपिक, ये मायोकार्डियम की जो एक्साइटेबिलिटी है उसको भी बढ़ा देता है, यही मायोकार्डियम अगर नॉर्मल हालात में कार्डियक इंपल्स से जो भी जिस भी तरह से एक्साइट होती है रिस्पॉन्ड करती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के दौरान ये ज्यादा एक्साइट होती है, ठीक है। तो बेटा जी ये चार चीजें हैं, 1, 2, 3 और 4, ये हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के मामलात। और अब हम बात करेंगे, एक सेकंड मैं इसको ऑन कर लूं, अब हम बात करेंगे पैरासिंपैथेटिक की। पैरासिंपैथेटिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये अपना इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जरा कम होती है, ठीक है, और इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो मस्करीनिक रिसेप्टर्स कहलाते हैं, और यहाँ पे बेटे सारा नेगेटिव नेगेटिव लगा हुआ है। तो ये नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक है, ये नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक है, और ये नेगेटिव आइनोट्रॉपिक भी कुछ हद तक है। आइनोट्रॉपिक को तीसरे नंबर पे इसलिए लिखा गया है कि इसकी जो सप्लाई है ऑफ द मायोकार्डियम वो बहुत कम होती है, इसकी ज्यादातर सप्लाई ऐसे नोड को, एवी नोड को होती है जहाँ पे रेट ऑफ हार्ट का जो रेट है वो सेट करता है ऐसे नोड, तो इसको वो करके इनहिबिट करके हार्ट रेट को नीचे ले आती है, और वो उसकी जो कार्डियक इंपल्स है उसकी जो स्पीड है उसको भी ये स्लो कर देती है, ठीक है। एक्सट्रीम पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो हार्ट को बिल्कुल रोक सकती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद हार्ट नेचुरली उस पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से एस्केप करेगा, इसको वेगल एस्केप कहते हैं। वेगल यानी वेगस, वेगस नर्व होती है जो पैरासिंपैथेटिक फाइबर्स को हार्ट की तरफ लेके आती है, इसलिए पैरासिंपैथेटिक के साथ वेगस का जिक्र नेचुरल है, ठीक है। वेगल एस्केप का अगर कोई आपने और पढ़ना हो तो वो भी पढ़ लीजिएगा, या मुझसे अगर आपने क्वेश्चन करना है तो कर लीजिएगा, लेकिन आपके लिए जो मेन चीज है वो ये इंफॉर्मेशन है। कोई पूछता है कि पैरासिंपैथेटिक का हार्ट पे क्या असर होता है, तो मेनली बेटे उसका इफेक्ट क्रोनोट्रॉपिक है, यानी रेट को डिक्रीज करना है, कार्डिक इंपल्स की स्पीड को स्लो करना है, और थोड़ा सा इफेक्ट यह है कि उसकी कंडक्शन, उसका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी वो थोड़ा रिटार्ड या स्लो कर सकता है। इसके साथ ही हमारा ये वाला जो है टॉपिक खत्म हुआ। अच्छा, सो कल डिस्कस करेंगे, और परसों से हम या नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम दूसरा एक नया टॉपिक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।